हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं कि आप घर पे ठीक होगे, स्वस्थ होगे। तो ठीक है बेटा, हमने चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस वन क्लास का स्टार्ट किया हुआ था। कल हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे। उम्मीद करता हूँ कि कल वाले सम आपने कर लिए होंगे। आज फिर हम इसी एक्सरसाइज को आगे प्रोसीड करते हैं, एक्सरसाइज 5.2। इसके कुछ और क्वेश्चन है जो कि आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज मैं। तो सबसे पहले बेटा कुछ फॉर्मूले हैं वो देखिए। आज हम जो पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। क्या होता है 1/z? जेड क्या है? जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड क्या है? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे मान लीजिए लेट जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए प्लस अयोटा बी। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। अगर मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका पता करना है ऑफ जेड, तो वो क्या हो जाएगा? 1/z हो जाएगा। ठीक है, और 1/z को कैसे सोल्व करेंगे? इसको कैसे सोल्व करेंगे? a प्लस योटा b को, ये मैंने पहले भी बताया था, नीचे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं? रैशनलाइजिंग करके। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और इसके बाद तो इससे रिलेटेड हम कुछ सम करते हैं पहले। आई होप सो कि आपको समझ लग गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए सम, देखिए सम है आपका 10th का। मैं थर्ड पार्ट ले रहा हूं, 10th का थर्ड पार्ट। ठीक है, लेट जेड के बराबर मान लेते हैं आयोटा, रूट के अंदर -9 है, +5 आयोटा। ठीक है, इसका हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पता करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो जेड इज इक्वल टू -9 को क्या लिखेंगे? -1 × 9 +5 आयोटा। ठीक है, तो हमें पता है कि -1 आयोटा स्केयर होता है। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 के रूट के अंदर हमने पहले ये 5.1 में कर लिया था। जो बच्चे नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हमने 2-3 वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर पर हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए, वहां पर जाके आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी। पहले वो करिए फिर इसको करोगे तो आसान होगा। ठीक है, योटा स्केयर का योटा बाहर आ जाएगा, योटा ऑलरेडी बाहर है, तो 9 का रूट 3 बाहर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 योटा स्केयर +5 योटा। योटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, +5। अब हमें इसका क्या पता करना है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड क्या होगा? 1/z। 1/z यानी कि दिस -3 + 5 आयोटा। ओके, अब इसको ऐसे सोल्व करेंगे रैशनलाइजिंग करके। रैशनलाइजिंग बस बीच वाले टर्म के साइन चेंज करने हैं, साइड वालों के लिए। -3 - 5 आयोटा। 1 से करिए उतना ही आएगा, नीचे फॉर्मूला बन गया a + b, a - b। मैंने बोला था यहां पर आप लिख सकते हो रैशनलाइजिंग। ओके, यहां पर दिख रहा है आपको बेटा? मैं देख लेता हूं एक बार। यस, a² - b² ऊपर ऐसे रहने दो, ये a है ये b है। यहां पे आप फॉर्मूला लिख सकते हो a + b, a - b। ठीक है, किसके इक्वल होता है? a² - b² तो -3 को -3 से करोगे तो 9 आ जाएगा। मल्टीप्लाई के अंदर माइनस से माइनस खत्म। ओके, 5 आयोटा को 5 करोगे 25 आयोटा स्केयर। -3 - 5 आयोटा 9, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 + 25। रियल पार्ट अलग कर लीजिए, 25 + 9 = 34। और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लीजिए, रियल पार्ट अलग कर लीजिए, ये आपका आंसर। ठीक है, तो यह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था। इसके बाद हम करते हैं एडिटिव इनवर्स। देखो बेटा एडिटिव इनवर्स में कैसे करते हैं, आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और बेटा होमवर्क साथ साथ कर लिया करो आप, अगर साथ साथ नहीं करोगे होमवर्क तो दिक्कत आएगी। ठीक है, अब है हमारे पास इसके बाद एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करने, देखिए एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड क्या होता है? -z। ठीक है,
जैसे मान लीजिए कोई आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 3+4 iota, 3+4 iota या -3+4 iota है, ठीक है। तो इसका हमें एडिटिव इनवर्स पता करना है। एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड क्या होगा? माइनस ऑफ जेड। तो बाहर माइनस अंतर लेके जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये प्लस का हो गया और ये क्या हो गया? माइनस का। ऐसे मुझे एडिटिव इनवर्स में क्या करना होता है, आपने रियल पार्ट के भी साइन चेंज करने हैं और इमेजिनरी पार्ट के भी क्या करने हैं? साइन चेंज। ओके, देखिए बेटा सम देखिए, कई बार आपको एक आधा सम और करवा देता है एडिटिव इनवर्स का, घबराना नहीं है। कई बार सॉरी बेटा, देखिए ये दिया होता है, मान लो जेड इज इक्वल टू 2+√3 iota का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, ये iota रूट से बाहर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 into a into b। फॉर्मूला पता है आपको, ए प्लस बी का स्क्वायर 2 2 4, रूट थ्री को थ्री से करेंगे, 3 iota iota स्क्वायर 2 2 4 और रूट थ्री iota, iota स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है। तो 4 -3+4√3 iota, 1+4√3 iota। अब हमें इसका क्या पता करना है? एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड क्या है? माइनस ऑफ जेड। जेड क्या है? 1+4√3 iota। तो क्या हो जाएगा? -1 -4√3 iota, दोनों प्लस के हैं, दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे, रियल पार्ट भी और अगर ये आपको जेड पहले कुछ पावर में दे रखा है, रैशनलाइजिंग में दे रखा है, तो उसको सोल्व करना है, फिर उसका आपका एडिटिव इनवर्स पता करना है। आई होप सो कि आपको एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अच्छे से समझ आ गया। और कुछ क्वेश्चन बेटा अच्छे हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन और है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का 11th क्वेश्चन है, ये आपको दिया हुआ है। देखिए ये लेफ्ट साइड और राइट साइड इसके बराबर प्रूव करने हैं, हम लेफ्ट साइड लेंगे और राइट साइड के बराबर आ जाएगा। और अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप x+1+iota x+1-iota x-1+iota x-1-iota, देखिए इसको, इन दोनों में फॉर्मूला लग जाएगा और इन दोनों में कैसे, ये सारा ए है, देखिए ध्यान से, देख रहे आपको ए, ये क्या है? बी। ओके, देखिए ए, ए की वैल्यू इसके अंदर x प्लस वन है, b की वैल्यू a होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। इधर देखिए a की वैल्यू x माइनस वन, उधर देखिए a की वैल्यू x माइनस वन, b की वैल्यू iota iota, ठीक है। तो a b, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला लगा दिया है मैंने, बता देता हूं, a प्लस बी, ए माइनस बी, आपको क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab माइनस अयोटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस अयोटा स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया है, यहां से अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो एक्स स्क्वायर +1 2x+1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर +1 -2x, यह भी +1 हो जाएगा, योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, एक्स स्क्वायर +2x+ यहां पर ऐसे करो 1 और 1 2 हो गया +2x। इधर देखिए एक्स स्क्वायर 1 और 1 2 -2x। अब देखिए फिर फॉर्मूला, a और ये b, a और b, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे दिख रहा है सभी को? यस, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर आप सामने बैठे हो, बता देखो, नीचे ना देखिए तो मैं उधर लिख दूंगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें फिर फॉर्मूला लगा लीजिए, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 2 इंटू ए इंटू बी करोगे तो 4x स्क्वायर, ये भी 4x स्क्वायर आ जाएगा, ये कैंसिल,
एक्स की फोर प्लस फोर, ये हमारी राइट साइड आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, तो एक और अच्छा क्वेश्चन है इसके बाद। आज हम आपने वीडियो को आज यही खत्म करते हैं। तो आपको इसके अलावा कोई भी और भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9896561442 पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। ज्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी बेटा, ज्यादा सम करेंगे तो। मैं चाहता हूँ कि आपको पहले स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा होमवर्क दिया जाए, ज्यादा बड़ी वीडियो ना डाली जाए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता दिया करो बेटा आपको वीडियो कैसी लगी, या कोई कमी हो तो भी बता दिया करो ताकि हम उस कमी को दूर कर सके। आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिए, तभी हमारे वीडियो बनाने का फायदा है। और शेयर जरूर कर देगा बेटा सभी अपने फ्रेंड्स को जो अभी प्लस वन में हुए हैं। अभी हमारी स्टार्टिंग है, बिल्कुल आराम से करवा रहा हूँ मैं आपको, इसलिए थैंक यू बेटा।